नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। सौसर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था को लेकर युवा नेता सोपान ने अपर कलेक्टर एवं सीएमएचओ से मुलाकात की। खबर छिंदवाड़ा से, जहां सौसर में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। इलाज और पर्याप्त बेड न होने के कारण हो रही लगातार मौतों को लेकर सौसर के युवा नेता कांग्रेस नेता सोपान कोहले ने आज डिप्टी कलेक्टर अजित तिर्की एवं सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया से मुलाकात कर सौसर के सिविल अस्पताल में बाईपैन मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अनुभवी चिकित्सक एवं कोरोना महामारी से आमजन के लिए रेड मेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था बनाने के अधिकारियों से समक्ष बात रखी। वहीं इस सुझाव को सुनने के उपरांत अतिरिक्त कलेक्टर अजित तिर्की एवं सीएमएचओ जीसी चौरसिया ने सोपान कोहले को आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और सौसर सिविल अस्पताल में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए आश्वासन दिया है। बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए मैंने आज डिप्टी कलेक्टर माननीय तिर्की जी तिर्की साहब से आज मैंने मुलाकात की। मैंने उनसे मांग करी है कि सौसर क्षेत्र में जो हमारा 100 बेड का जो अस्पताल है, वहाँ पर 50 बेड कोविड सेंटर तथा वहाँ मरीजों का ट्रीटमेंट पूरी तरह होना चाहिए। उसको लेकर आज मेरी डिप्टी कलेक्टर मोदी से चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर हम लोग अमल करेंगे और साथ ही हमारे सौसर क्षेत्र के जो मरीज छिंदवाड़ा आते हैं, यहाँ अधिक मरीज होने के कारण यहाँ उनका उपचार हो नहीं पाता। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि सौसर के मरीजों का सौसर में इलाज 50 बेड से हम लोग शुरुआत करें, ताकि गरीब निर्धन परिवारजनों को राहत मिलेगी। गरीब आदमी लाखों रुपए देकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है। मेरा प्रशासन से और कलेक्टर साहब से और संबंधित अधिकारियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए सौसर में 50 बेड का कोविड सेंटर खोला जाए, वहाँ पर सारी संसाधनों से युक्त सारी सुविधाएं दी जाए। धन्यवाद। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।